बाहुबली व पुरुष सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार की राजनीति गर्माई हुई थी, लेकिन अब देश की भी राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष में बैठे तमाम नेता नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हो रही है उसको लेकर दलित विरोधी बता रहे हैं। बता दें आपको कि दलित विरोधी काम नीतीश सरकार कर रही है, ऐसा सवाल खड़ा किया जा रहा है। बाहुबली व पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार के कदम पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मायावती ने नीतीश सरकार को दलित विरोधी बताते हुए इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के बाहुबली पुरुष सांसद आनंद मोहन अपने बेटी चेतन आनंद की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। बीते कई सालों से कहीं ना कहीं आनंद मोहन आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता है, तो वहीं पूर्व सांसद की रिहाई के लिए महागठबंधन सरकार के उठाए गए कदम पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों बिहार सरकार ने आनंद मोहन की सहरसा जेल से रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए जेल नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसको लेकर मायावती ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है कि आनंद मोहन को जेल से रिहा करने पर बिहार सरकार फिर से विचार करे। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश ब्रैकेट में यह साफ लिखा गया है, अब तेलंगाना महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी निगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। जो वहीं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा नीतीश सरकार को नहीं करना चाहिए। यूपी की पूर्व सीएम रही मायावती ने आगे कहा है कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को देखते हुए नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। तो वहीं चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। तो वहीं मायावती ने यह साफ कहा है कि बिल्कुल यह सही नहीं है, नीतीश सरकार यह बिल्कुल सही नहीं कर रही है, दलितों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। तो वहीं जिस तरीके से जी कृष्णैया के साथ किया गया, जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको रिहा जिस तरीके से किया जा रहा है, उनके अपराधी को जिस तरीके से रिहा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो वहीं दलित विरोधी काम नीतीश सरकार कर दी है। बता दें आपको यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने कई सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं, तो वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर यह साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।